नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। जी हाँ, किस्मत चमकते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे। ग्रह गोचर के आधार पर सटीक जानकारी देने वाला हूँ। अपना कीमती वक्त निकालकर वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी, तो आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, किस्मत का चाबी आपके हाथ लगेगी। अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आप निखर जाएंगे, अगर आपने दुरुपयोग किया तो आप बिखर जाएंगे। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत खास है। ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। बुध वक्री हो चुके हैं और सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। किस्मत को चमकते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। बस आपको धैर्य रखकर समय का इंतजार करना होगा। जी हाँ, सबसे पहले बालाजी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली, जय बालाजी अवश्य लिखिएगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपकी यश व कृति में वृद्धि होगी, लेकिन आपको किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय संयम काल के समय आपके अपने परिजन से मुलाकात होगी व आप उनके साथ सैर सपाटे की योजना भी बना सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से आपकी छोटी मोटी झड़प हो सकती है। यदि वह नाराज हो तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी, नहीं तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, विद्यार्थियों को शिक्षा में मन मुताबिक लाभ मिलेंगे और उन्हें किसी बड़ी समस्या का समाधान भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपके लिए भाग दौड़ भरा रहेगा। आपके परिवार के किसी सदस्य को अकस्मात कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिनके कारण आपके खर्च भी अधिक होंगे और आप अधिक से अधिक परेशान होंगे। लेकिन यदि कोई आपका संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो आपको उसमें जरूरी कागजातों को सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा और पूरी जांच पड़ताल आपको करना होगा, तभी आप किसी निर्णय पर पहुंचना बेहतर रहेगा। यदि आपको कोई मित्र किसी निवेश की योजना को समझाए तो आपको उसमें बुद्धि का विवेक का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा और अपने घर के एक्सपर्ट व्यक्ति है, अगर कोई बड़े बुजुर्ग है, उनकी सलाह आपको अवश्य लेना है, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है और आपका वह धन डूब भी सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको भाग दौड़ अधिक होने के कारण संयम काल के समय थकान का अनुभव होगा। काम के साथ साथ आपका आराम करना बेहद जरूरी है, नहीं तो देखिए आपकी जो समस्या है बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें, परिवार में भी तालमेल बिठाए रखने में आप कामयाब रहेंगे। परिवार में आपको किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति में भी दोनों पक्षों की सुनकर किसी भी निर्णय को लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसको उपरांत यह समय आपको शीघ्रगामी वाहनों से प्रयोग करने से आपको सावधानी बरतनी होगी, उनसे आपको दूर रखनी होगी। लेकिन आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकती हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में और मधुरता बढ़ेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, आपके लिए मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यवसाय में आपके हाथ बड़ी मात्रा में धन लग सकता है, जिससे आपके धन कोष में वृद्धि होगी और जो लोग विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है।
यदि अपने साझेदारी में किसी व्यवसाय को किया हुआ है तो उसमें आपको अपने पार्टनर से पूछताछ कर किसी कार्य को करना बेहतर रहेगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकता है और दोनों में दूरियां बढ़ सकती है। इस बात का अभी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा। नौकरी में उन्हें कोई कार्यभार सौंपा जा सकता है और आपको संतान की शुद्ध बुद्धि लेनी होगी, क्योंकि वह किसी गलत संगति की ओर अग्रसर हो सकती हैं। उनकी संगति की ओर आपको अधिक से अधिक इस समय ध्यान देना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय आपकी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है, जिसे देखकर आपके मन में हर्ष उल्लास होगी। और यह समय देखिए प्रयासरत है तो आपको नई नौकरी अगर है तो उसे भी मिल सकता है। आपको अधिक तला भुना खाने से इस समय आपको समय बचना होगा और दर्द, गैस और अपच जैसी समस्या आपको इस समय बढ़ सकती है। आपको अपने सेहत के प्रति अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। काम के साथ साथ आराम करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है और चिंता हो सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय आपके लिए मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है, क्योंकि आपके परिवार में किसी मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे और एक दूसरे अपने कामों में सब कोई लगे रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में भी आपका खूब मन लगेगा, लेकिन यदि कोई घर गृहस्थी की समस्या चल रही है तो वह सुलझेगी और उसमें जो है समाधान मिलेगा। व्यापार में आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके किस्मत के सितारे बता रहे हैं आपको अचानक से धन लाभ होगा। यदि ऐसा हो तो आपको उसमें सबसे पहले अपनी कुछ पुरानी देनदारियों को उतारना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो लोग इससे वापस आपके साथ मांगने आ सकती हैं। और आपके मित्र आपको यदि कोई निवेश संबंधी योजना बताए तो आपको उसमें निवेश करने से पहले दोबारा जरूर सोच लेना है, नहीं तो वह आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के योग लेकर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी वाक्पटुता आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन मौसम का परिवर्तित प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आपका शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग लाल कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 5 है। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।